नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आम आदमी की यह धारणा रहती है कि उसके पास मकान, कार, फिक्स्ड डिपॉजिट, शेयर्स, बॉन्ड या कैश है, जो कि उसकी बहुत बड़ी एसेट हैं और उनके हासिल करने के लिए वह जीवन पर्यंत कोशिश करता है। लेकिन उसको यह नहीं मालूम कि जिनको वो एसेट समझता है वो उसके लिए कहीं ना कहीं लायबिलिटी भी बन जाती। इवन उसके पास यदि कैश भी रहता है तो वो भी उसके लिए लायबिलिटी है। वास्तव में देखा जाए तो ये सारी संपत्तियाँ उनको कैसे उपयोग करते हैं उसी पर निर्भर करता है कि वह उसकी एसेट है या लायबिलिटी है। जैसे कि मकान के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने अपना मकान बनवाया है और कर्ज की राशि पर जो ब्याज लगता है उससे यदि किराया ज़्यादा है तो वह कर्जा लाभदायक है। लेकिन यदि बैंक कर्ज से फ्लैट या मकान लिया है और वह खाली रहता है और ना तो किराया मिलता है तो उस केस में वह भी लायबिलिटी बन जाती है, क्योंकि बैंक की EMI इत्यादि तो उसको देना ही पड़ेगा, उसके मेंटेनेंस के भी खर्चे पड़ेंगे जिसकी वजह से उसका रेगुलर मंथली खर्चे बने रहेंगे, लेकिन उससे कोई आमदनी नहीं होगी। अगर किसी व्यक्ति ने कार ली है और उसका इस्तेमाल लगातार वह अपने काम के लिए करता है या ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बचाता है तो उसको वह बचत करता है तो वह उसके लिए एसेट है। यदि कार खड़ी रहती है तो वो उसके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि बैंक की EMI और उस बाकी खर्चे उसके चलते रहेंगे। यदि कोई व्यक्ति शेयर मार्केट या कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करता है और उस इन्वेस्टमेंट पर उसको अच्छा रिटर्न मिलता है जो कि मुद्रास्फीति से या महंगाई दर से ज़्यादा है तो वह उसके लिए एसेट है। यदि उसको मुद्रास्फीति या महंगाई दर से कम फायदा होता है तो वो उसके लिए लायबिलिटी। यदि कोई व्यक्ति अपने घर पे कैश या नकदी के तौर पर रखता है तो वह भी उसके लिए लायबिलिटी बन जाता है, क्योंकि उसको उसकी सुरक्षा के लिए उसको सुरक्षाकर्मी रखना पड़ेगा जिसकी उसको वेतन अलग से देनी पड़ेगी तो उसके खर्चे बढ़ जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी दुकान या किसी बिजनेस के लिए लोन लेता है और उसको उस बिजनेस से ज़्यादा मुनाफा होता है बजाय कि उस पर जो कर्जा लिया हुआ उसके ब्याज के, तो वह उसके लिए एक एसेट है। यदि उसके मुकाबले उसको नुकसान होता है तो उसके लिए लायबिलिटी बन जाता है। इस तरह दोस्तों आप देख सकते हैं कि यदि कोई मकान, दुकान, कार या कोई भी इस टाइप की संपत्ति लेता है तो वो उसके लिए एसेट भी हो सकता है और लायबिलिटी भी हो सकता है। वो निर्भर करता है कि वो उसका उपयोग किस ढंग से करता है, उसका प्रयोग कैसे कर सकता है। दोस्तों, किसी भी संपत्ति का प्रयोग करने पर ही उसके एसेट और लायबिलिटी का निर्णय किया जा सकता है। दोस्तों, यदि फाइनेंशियल लिटरेसी में किसी भी व्यक्ति को इन सब चीज़ों का उपयोग करने का सही तरीका मालूम हो जाए तो वह हमेशा अपने संपत्तियों को बढ़ाता रहेगा और उससे संपत्ति को एसेट के रूप में तैयार करेगा, न कि लायबिलिटी के। दोस्तों, आशा है कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सिद्ध होगा और आपके जीवन में काफ़ी उपयोगी रहेगा। दोस्तों, यदि आप वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, साथ ही कमेंट भी करें। नए नए वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।